ले जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचेस की सीरीज जो कि 21 अगस्त से शुरू होने जा रही है उसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 17 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तानी स्क्वाड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं और 3 से 4 यंग खिलाड़ी भी जो हैं जिन्होंने भैया बांग्लादेश ए के खिलाफ और ऑस्ट्रेलियन क्लब के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था वो भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। और हम आपको बताते चलें कि भैया पाकिस्तान की जो टीम है उसकी कयादत जो है उसकी कैप्टेंसी जो है वो पाकिस्तान के शान मसूद के ही पास मौजूद है और वाइस कप्तान की अगर बात की जाए तो भैया जिसको बाबर आजम छोटे डॉन के नाम से बुलाते थे साउथ शकील मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी दिखा चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर भी और उसको भैया वॉइस कप्तान बना दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और हम आपको बताते चलें कि भैया बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ एक स्पिनर जो है वो लेकर जा रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है भैया आप 5 से 6 फास्ट बॉलर लेकर जा रहे हैं वहां पर आपको 2 स्पिनर की जरूरत थी लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इब्रार अहमद को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया। और हम आपको बताते चलें कि शान मसूद होंगे उसके साथ होंगे वॉइस कप्तान साउथ शकील और उसके साथ खेलेंगे अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल्ला शफीक के साथ साइम अयूब एक बार फिर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे मजेदारी वाली बात हम आपको बताते चले कि मोहम्मद हुरैरा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था डबल शतक लगाया था और हम भी उनके बहुत बड़े फैन बन चुके हैं जिस तरह की वो स्टाइलिश बल्लेबाजी करते हैं आखिरकार वो भी टीम का हिस्सा बन चुके हैं और पाकिस्तान की टीम में डेब्यू करने जा रहे हैं। ये तो अभी समय बताएगा कि भैया उनको मौका मिलेगा या फिर उनको साथ ही रखा जाएगा। और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें तो भैया मिडल ऑर्डर में आपको पता ही है साउथ शकील होंगे आगा सलमान होंगे और उनके साथ बाबर आजम जो कि बहुत बड़ी सर्जरी की बात की जा रही थी भैया कोई किसी किस्म की सर्जरी हमें देखने को नहीं मिली लेकिन ये बात तो बिल्कुल अच्छी लगी है कि भैया उन्होंने किसी सीनियर बल्लेबाज को वॉइस कप्तान नहीं बनाया साउथ शकील को वॉइस कप्तान बना दिया है। यही एक छोटा मोटा जो झटका है वो लग चुका है मोहम्मद रिजवान को शाहीन शाह अफरीदी को और बाबर आजम को हालांकि ये तीनों खिलाड़ी भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा है नसीम शाह है मीर हमजा है खुरम शहजादा यानी कि पाकिस्तान 5 से 6 फास्ट बॉलर जो है खिला रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। आमिर जमाल जो कि भैया जिनमें मुझे भी अगर पर्सनल तौर पर देखा जाए तो अब्दुल रजाक की जो है वो झलक नजर आती है। अगर पाकिस्तान इस यंग लड़के के ऊपर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करती है पाकिस्तान की टीम के साथ रखते हैं इसको खिलाते हैं तो भैया आने वाले समय में पाकिस्तान में जो इस समय एक ऑलराउंडर की कमी महसूस हो रही है और ये वो यंग खिलाड़ी है जो ऑलराउंडर की कमी को पूरा कर सकता है। आपने देख ही लिया होगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर जमाल ने धांसू किस्म की बल्लेबाजी की थी तो भैया 17 रुकनी स्क्वाड आपके सामने आ ही चुका है। हमने आपको बता ही दिया कि मीर हमजा भी हैं खुरम शहजाद भी हैं और इब्रार अहमद भी हैं और सरफराज अहमद भी हैं साइम अयूब भी हैं मोहम्मद रिजवान भी हैं बाबर आजम भी है यानी कि 2 से 3 जो है वो यंग खिलाड़ियों को मौका मिला है बाकी वही पुराने चेहरे जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हैं सीनियर खिलाड़ी खेलना भी चाहिए क्योंकि भैया ये WTC के मैचेस होने जा रहे हैं और बाबर आजम के ऊपर पाकिस्तान की जनता की काफी ज्यादा जो है वो नजरें होंगी क्योंकि 2 साल तकरीबन 1 साल का समय बीत चुका है 1.5 साल का समय बाबर आजम अभी तक जो है वो शतक नहीं लगा पाए। वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम ने 2 से 3 अर्धशतक जरूर लगाए थे लेकिन वो शतक लगाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अब पाकिस्तान की होम कंडीशन है और बाबर आजम के पास बहुत बढ़िया मौका है कि भैया वो शतक लगाए अपनी जनता में जो उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन कम होती जा रही है वो अपनी कम होती हुई फैन फॉलोइंग को मजीद बढ़ाएं और उसके बाद मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद इनके दरमियान टाकरा होगा कि भैया कौन से विकेट कीपर जो है वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनेंगे। हालांकि मोहम्मद रिजवान का अगर हम टेस्ट कैरियर देखें और सरफराज अहमद का देखें तो भैया दोनों ही बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया था रन भी बनाकर दिए थे लेकिन सरफराज अहमद जो है
तेज विकेटों के ऊपर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए थे, लेकिन ये जो पाकिस्तान की विकेटें हैं इन पर मोहम्मद सॉरी सरफराज अहमद जो है वो अपना जादू चला सकते हैं, पाकिस्तान की टीम को रन बनाकर दे सकते हैं। और अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो भैया गेंदबाजों में काफी ज्यादा कंपटीशन मुझे नजर आ रहा है, फास्ट गेंदबाजों में, स्पिन गेंदबाजों में तो कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही स्पिन गेंदबाज है इब्रार अहमद, और वो तो 100% पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे, और भैया उनको टाकरा देने वाला कोई स्पिनर पाकिस्तान की टीम में इस समय में तो खैर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो मीर हमजा है, नसीम शाह है, खुरम शहजाद है, और शाहीन शाह अफरीदी है, और आमिर जमाल है। तो भैया आपको पता होना चाहिए 5 से 6 पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर है, तो सिर्फ 3 फास्ट बॉलर जो है वो खेलेंगे। अमर जमाल पाकिस्तान की टीम का जरूर हिस्सा होंगे, एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा प्रदर्शन दिखाया तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि उनको बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो रस्त दी जाए। तो बाबर आजम तो ऑलरेडी उनका कोई कंपटीशन अभी पाकिस्तान की टीम में मौजूद नहीं है, हालांकि जनता जो है बातें जरूर करती है कि भैया बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। भैया बाबर आजम को टीम से तब ड्रॉप किया जाए जब आपके पास बाबर आजम का मुतबादल खिलाड़ी मौजूद होना चाहिए। ये वही बाबर आजम है जिन्होंने भैया आपको ऑस्ट्रेलिया से 20 से 25 साल के समय के बाद ओडीआई सीरीज में भैया विन करवाया था, जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में टेस्ट खेलने के लिए आई थी और उसके साथ वनडे और टी20 खेलने के लिए आई थी, तो पाकिस्तान ने ओडीआई में भैया 2-1 से सीरीज जीती थी। आई थिंक 20 या 15 साल के समय के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब हुआ था, और बाबर आजम ने वहां पर अर्धशतक लगाया था, आई थिंक 150 या 140 रन बनाए थे, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने आखिरी मुकाबले में 350 रन चेज किए थे। तो भैया इस तरह नहीं हो सकता कि आप बाबर को टीम से ड्रॉप करें, कोई मुतबादल ढूंढ रहा होगा फिर बाबर को टीम से ड्रॉप करना होगा। बाबर की कप्तानी को लेकर अगर देखा जाए तो भैया हम भी मानते हैं कि वो अच्छी कप्तानी बिल्कुल नहीं कर पाए, और आने वाले समय में अब देखना होगा कि ओडीआई और टी20 में पाकिस्तान का कप्तान कौन बनने जा रहा है। टेस्ट में तो आपको पता है कि शान मसूद कप्तान है और साउथ शकील जो है वो वाइस कप्तान है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलने जा रहे हैं, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल, और हमें देनी है इजाजत, गुड बाय।